3 meter minus 0.05 minus 0.05 minus 0.05 minus 0.05, ये क्या लेंथ आ गई? लेंथ आ गई 2.8, वेट डेप्थ से मल्टीप्लाई करो सर 0.20। पार्टीशन शॉर्ट वॉल नंबर 1 के लिए बी पार्ट की, ए पार्ट और बी पार्ट दोनों को जोड़ दो तो टोटल पार्टीशन शॉर्ट वॉल नंबर 1 के लिए पीसीसी आ जाएगी। क्लियर है? हाँ जी। अब हम ये वाले वॉल कैलकुलेट करेंगे, जैसे ये होगी सिमिलरली ये होगी सिमिलरली ये होगी। शॉर्ट वॉल नंबर 3 के लिए कैलकुलेशन करेंगे। देखो स्टूडेंट, जो शॉर्ट वॉल नंबर 3 का सेक्शन है वही शॉर्ट वॉल नंबर 4 का सेक्शन है, तो यही देख लेंगे हम। ठीक है, ठीक है, जो ये शॉर्ट वॉल नंबर 4 का सेक्शन है सेम सेक्शन शॉर्ट वॉल नंबर 3 का है, सेम सेक्शन शॉर्ट वॉल नंबर 5 का है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट वॉल नंबर 4 ही लिख देता हूँ पहले। शॉर्ट वॉल नंबर 4 के लिए पहले लेंथ निकालनी पड़ेगी। लेंथ कैसे निकलेगी? ये देखो यहाँ से देखिए, यहाँ पे कितना 2.5 मीटर है ये। हाँ जी सर। माइनस माइनस ये पोटेंशियल कितना है 0.05, माइनस ये पोटेंशियल कितना है 0.05, माइनस ये पोटेंशियल कितना है 0.05, माइनस ये पोटेंशियल कितना है 0.15, माइनस ये पोटेंशियल कितना है 0.05। दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ए पार्ट और बी पार्ट। नीचे वाले को ए पार्ट दूंगा, ऊपर वाले को बी पार्ट दूंगा। पहले मैंने नीचे वाले पार्ट से कैलकुलेट किया है, ए पार्ट, ए पार्ट कैसे निकला? देखो ए पार्ट लेंथ मेरी करनी है, निकला पार्ट ए है, ऊपर वाला बी है। निचले पार्ट की लेंथ निकालने के लिए 0.5 माइनस 0.05 माइनस 0.05 माइनस 0.05 माइनस 0.05 माइनस 0.15 माइनस 0.05, ये आपकी लेंथ आ जाएगी निचले पार्ट की। ए पार्ट क्या लेंथ आ जाएगी? कितनी आई है मैम? 2.10। ये बॉल है दोस्तों की 0.7, डेप्थ कितनी रहेगी? 0.10।
0.145 के 47 जो भी आ रही है इतनी वैल्यू आप ठीक है 0.9 ये तो इसका ए पार्ट ऊपरला पार्ट वो भी निकालना पड़ेगा तो यहाँ बी पार्ट देखो बी पार्ट में सबसे पहले लेंथ कितनी लेंथ काम करेगी 2.5 - 0.05 - 0.05 - 0.05 - 0.05 - 0.15 इसको इसकी वेट पर टैक्स पर डिवाइड कर 200 के बाद 0.15 दोनों पार्ट्स को जोड़ लो एक दीवार की आ जाएगी हाँ जी दोनों पार्ट्स को अगर जोड़ लें पहले पार्ट की आई 0.147 दूसरे की आई 0.15 दोनों को जोड़ने तो ये बनता है 0.30 approximately 0.30 short wall number 4 की क्वांटिटी भी आ गई 0.30 क्यूबिक मीटर क्लियर है ये ए पार्ट और बी पार्ट को जोड़ दिया 0.30 क्यूबिक मीटर आ गया short wall number 3 या 4 जो मर्जी ले लो 4 के लिए क्लियर है हाँ जी जैसे 4 है वैसे 3 है वैसे 5 है तो शॉर्ट वॉल नंबर 3 और 5 क्लियर है हाँ जी अब सारी पीसीसी जोड़ दो टोटल पीसीसी निकाल दो सर टोटल एक मिनट टोटल आ जानी है लॉन्ग वॉल 1, 2, 3 शॉर्ट वॉल 2 पार्टीशन शॉर्ट वॉल 1 शॉर्ट वॉल 3 4 5 और शॉर्ट वॉल नंबर 3 सारी मिलाम लो के टोटल आ रही है आपकी ये 7.6 अप्रोक्सीमेटली तो ये 7.6 क्यूबिक मीटर का टोटल पीसीसी आ गई क्लियर है ये हाँ जी तो इस तरीके से अगर ये बिल्डिंग बनानी है 2 कमरे 1 बाथरूम बनाना है ट्रेडिशनल बिल्डिंग में सेवन हवाएं कट गई जी तो इसके अंदर इस बिल्डिंग के अंदर कितना पीसीसी लगेगा 7.60 क्यूबिक मीटर कट रही सर वॉइस ठीक है ठीक है सर अब तीसरा उसने पूछा है कि मेरे फाउंडेशन अप टू प्लेंथ अब ये सारी दीवारों की हमने ब्रिक मेसनरी इन फाउंडेशन अप टू प्लेंथ कैलकुलेट करनी है ठीक है ठीक है सर अब वो कैलकुलेट करेंगे ब्रिक मेसनरी इन फाउंडेशन अप टू प्लेंथ सबसे पहले लॉन्ग वॉल नंबर 1 के लिए कैलकुलेट करेंगे लॉन्ग वॉल